bulb is located on the wall. Its image is to be obtained on the parallel wall with the help of convex lens. ठीक है, the lens place the distance d ahead a second wall, the required focal length will be. इसकी focal length required. क्या बोल रहा है जी? Convex lens है. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ही इमेज कहाँ पे बनता है. ये डिस्टेंस, ये एफ होता है तो ये टू एफ होता है, ये एफ डैश होता है तो ये टू एफ डैश होता है. ये जो डिस्टेंस है हमारा ये सेम होता है, यानी इमेज फॉर्मेशन. और इसको हम लोग डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ से तो फोकल लेंथ होता तो ये टू एफ होगा हमारा डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, टू एफ. ये सीधी सी बात बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक दीवाल है और यहाँ पर एक दीवाल है, और इस लेंस से इस दीवाल के बीच का गैप को स्मॉल डी बोल रहा है. तो बोल रहा है कि अगर इसका, दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन अ वॉल, यहाँ पर बल्ब लोकेटेड है, ध्यान रखे रहना. इट इज इमेज टू ऑप्टेन ऑन द पैरेलल वॉल विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. द लेंस इज प्लेट एट डिस्टेंस डी अहेड अ सेकेंड वॉल. ये सेकेंड वॉल से कितना पहले, डी डिस्टेंस आगे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, तो कह रहे देन रिक्वायर्ड फोकल लेंथ. तो अगर इसका इतना बड़ा क्लियर इमेज यहाँ पर सेम टू सेम बनाना है आपको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन जिसको पता होगा उसको सॉल्व भी नहीं करना, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा. यानी डी कितना होना चाहिए, 2f होना चाहिए, यानी 2f की वैल्यू डी है, यानी फोकल लेंथ डी बाई 2 होगा तभी सही होगा. तो इसमें जो ओनली वाला टर्म्स है उसमें कभी कन्फ्यूजन ही नहीं हो सकता, एकदम डन है. इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर इधर खिसका दो, इसको थोड़ा इधर इधर खिसका दो, तो वहां नहीं बनेगा. ये सिर्फ 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इधर पीछे 2f डैश पे ही इमेज बनता है, ये ध्यान रखे रहना. इमेज फॉर्मेशन एक बार आप लोग ट्राई कर लेना. मैं तो कहूंगा कि अगर आप इमेज फॉर्मेशन ट्राई करने का प्रयास नहीं करते हो तो गड़बड़ है. यहाँ 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज 2f पे बनेगा. और इस क्वेश्चन में बोला है जो सेकेंड वाली दीवार है उससे पहले लेंस कितना डी डिस्टेंस पर रख दिया, तो डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 2f की वैल्यू डी होगा, तो f की वैल्यू डी बाई 2 होगा, तो ये ओनली डी बाई 2 होगा,